हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने वाला हूँ जो मेरा बैंक निफ्टी में ऑप्शन ट्रेडिंग में 1200 रुपये का लॉस हुआ है, तो लॉस कैसे हो गया, यानी क्या गलती की थी मैंने कि जिससे मेरा 1200 रुपये तक का लॉस हो गया। तो इस गलती से मतलब आप भी कैसे बच सकते हो, तो ये वीडियो में आपको पता चल जाएगा कौन सी गलती हमें बैंक निफ्टी ऑप्शन ट्रेडिंग में नहीं करना चाहिए कि जिससे हमारा इतना लॉस ना हो। तो फ्रेंड्स, मैं आपको फुल इन्फॉर्मेशन के साथ बताने वाला हूँ, तो चलिए देखते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको प्रूफ दिखा देता हूँ जो कि मेरा 1200 रुपये लॉस हुआ है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, 9 अगस्त को मैंने ट्रेड लिया था। तो सबसे पहले ट्रेड देख सकते हो, ये 36600 का मैंने सी लिया था, बाय किया था 25 क्वांटिटी में, जो कि एकदम हाई पे किया था। वो क्या लॉजिक से किया था मैं आपको बाद में बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले देख सकते हो यहाँ पे, तो 128 पे यानी एकदम हाई पे मैंने बाय कर लिया। उसके बाद मुझे लगा कि ये बढ़ेगा बढ़ेगा, बट नहीं हुआ। उसके बाद एकदम धीरे धीरे नीचे आता गया, और उसके बाद फिर मुझे लगा कि अभी ये बढ़ने वाला तो है नहीं। तो फिर मैंने मतलब एकदम घबरा के 91 पे, जो कि देख सकते हो 921 रुपये का लॉस मैंने इतने पे सेल कर दिया उसको। तो देख सकते हो 921 रुपये का मुझे यहाँ पे लॉस हो गया। उसके बाद फिर से मैंने एक, मुझे लगा मार्केट अभी और नीचे जाने वाला है। यानी बहुत से ट्रेडर्स के साथ फ्रेंड्स, जो बिगनर्स हैं उनके साथ ऐसे ही कुछ होता है, जो कि मेरे साथ भी हुआ है। तो देख सकते हो यहाँ पे, तो फिर मुझे लगा मार्केट और नीचे जाने वाला है, तो उसकी वजह से फिर मैंने 35400 का एक पी फिर से बाय कर लिया 25 क्वांटिटी में। यहाँ पे आप देख सकते हो 75 की प्राइस पे मैंने बाय किया, तो लगभग ये 10:53 पे मैंने बाय किया। और उसके बाद फ्रेंड्स, फिर मार्केट कैसा मतलब एक एकदम धड़ाम से नीचे आया, फिर थोड़ा बहुत तो रिट्रेसमेंट के लिए ऊपर जाता है, तो उसकी वजह से फिर मार्केट मतलब थोड़ा ऊपर गया। तो यहाँ पे मुझे लगा अभी मार्केट ऊपर जाने वाला है, तो उसके जैसे फिर मैंने इसको सेल कर दिया, देख सकते हो यहाँ पे 64 रुपये पे, तो जो कि इसमें भी मुझे 260 रुपये का लॉस हो गया। तो इस टाइप से मुझे टोटल 1121 रुपये का लॉस हो जाता है, जो कि दो ट्रेड मार दिया मैंने बिना कुछ लॉजिक के, बिना कुछ कंफर्मेशन के साथ के, ऐसे ही मैंने ट्रेड कर लिया। उसके बाद यहाँ पे आप चार्जेस देख सकते हो, फिर तो 80 रुपये फिर मुझे ब्रोकरेज लग गया, और फिर 15 रुपये GST लग गया, और बाकी ऐसा मतलब टोटल 1283 रुपये हो जाता है, जो कि यानी 1200 से ऊपर जाता है। तो ऐसा लॉस क्यों हुआ फ्रेंड्स, तो चलिए मैं अभी आपको ग्रो में लेके चलता हूँ। और फ्रेंड्स, यहाँ पे आप ग्रो में मेरा जो ऑर्डर से देख सकते हो, तो सबसे पहले जो 36600 का कॉल किया था मैंने, देख सकते हो 128 पे 9:55 पे लिया। उसके बाद फिर 10:41 पे मैंने ये सेल कर दिया। तो और उसके बाद फिर से पी पुट बाय किया, फिर पुट को सेल कर दिया, तो इन दोनों में मुझे इस टाइप का 1200 रुपये लॉस हो गया। अभी मैं आपको लॉजिक बताता हूँ, यानी मेरा लॉस कैसे हुआ, क्या लॉजिक से मैंने इनमें ट्रेड लिया। तो फ्रेंड्स, मैं अभी यहाँ पे आ गया हूँ ट्रेडिंग व्यू पे। तो मैं अब सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ, तो मार्केट चल रहा था कुछ यहाँ पे, चल रहा था यहाँ पे देख सकते हो टाइमिंग, यहाँ पे नीचे टाइमिंग दिखाता है। तो 9:55 पे ये 3 कैंडल लगातार बनता गया ग्रीन कलर का, देख सकते हो यहाँ पे, और मार्केट पहुँच गया 36132 पे। तो मुझे लगा यहाँ पे मार्केट और ऊपर जाने वाला है, यानी इसको ब्रेक किया, तो इसको इसने थोड़ा सा ब्रेक किया, बट उसके बाद फिर रेड कैंडल बन गया और मार्केट फिर नीचे रिवर्स में आने लगा। बट मुझे लगा यहाँ पे और मार्केट ऊपर जाने वाला है, तो इसकी वजह से मैंने 36600 का एक कॉल ऑप्शन को बाय कर लिया 128 रुपये पे, जो कि एकदम हाई पे गया था। तो पहली गलती तो यही हो गई मेरी। और फिर मैंने ये भी नहीं देखा कि देख सकते हो यहाँ पे डायरेक्ट मार्केट सीधा ऊपर गया है। तो सबसे बड़ा तो रीजन ये हो जाता है कि एक मार्केट अभी नीचे आने वाला है, बट हमें मतलब समझ तो है नहीं इतनी, तो हम देखते हैं कि मार्केट ऊपर जाना है, जाने वाला है, तो चलिए और ऊपर जाएगा। तो इससे अच्छे यहाँ पे मैंने एक बाय कर लिया। उसके बाद फ्रेंड्स, मार्केट फिर वहीं से डायरेक्ट रिवर्स में आने लगा, तो यहाँ तक आया कुछ, तो मेरा 300-400 रुपये तक लॉस हो रहा था। उसके बाद फिर मुझे लगा यहाँ से एक सपोर्ट टाइप का है, तो यहाँ से मार्केट ऊपर जा सकता है, बट फिर नहीं गया। यानी यहाँ से मार्केट गया तो सही, लेकिन इस रेजिस्टेंस से नीचे आ गया फिर से, देख सकते हो यहाँ पे। तो मार्केट मतलब यहाँ से कुछ इस टाइप के रेजिस्टेंस से फिर से नीचे आ गया, तो मतलब फिर यानी यहाँ पे मुझे चांसेस था फिर से निकलने के, यानी 200-300 तक मुझे लॉस आ गया, लॉस रिकवर हो गया था मतलब। तो यहाँ पे मुझे चांसेस था, बट मैं यहाँ पे भी नहीं निकला। फिर उसके बाद फ्रेंड्स, मार्केट फिर से रिवर्स में आया और कुछ यहाँ तक आ गया, जो कि मेरा 900-1000 रुपये तक का लॉस गया था। फिर मैंने इस कैंडल पे सेल कर दिया, यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे सेल कर दिया, तो मुझे 921 रुपये का लॉस हो गया। तो इस टाइप से मैंने सेल कर दिया। तो बाकी फ्रेंड्स,
और फिर उसके बाद मैंने यहीं पे एक पुट को बाय कर लिया। तो देख सकते हो कुछ इस टाइप का कैंडल बना, मुझे लगा अभी यहाँ से मार्केट और नीचे जाने वाला है। तो फिर यहाँ पे मैंने एक पुट बाय किया, बट अगेन फिर मार्केट इस टाइप का ऊपर गया और कुछ दो तीन कैंडल बना है, ये दो कैंडल उसने बनाया मतलब ग्रीन कलर का, तो मुझे लगा मार्केट और ऊपर जाने वाला है। तो यहाँ पे फिर मुझे 200-250 रुपये का उस पुट में भी लॉस होने लगा, तो फिर मैंने उसको भी सेल कर दिया। तो इस टाइप से फ्रेंड्स हम मतलब बिगनर्स गलती करते हैं। फिर मार्केट फिर अगेन मतलब नीचे आया, तो इधर फिर मुझे फिर से प्रॉफिट दिखाने लगा, फिर ऊपर चला गया। तो इस टाइप से फ्रेंड्स मतलब मार्केट ऊपर नीचे, और उसी में मुझे मतलब एकदम डर लगने लगता है जब लॉस होता है ना फ्रेंड्स, हमारा मतलब कॉन्फिडेंस लो होता है ना, तो उसकी वजह से हमें डर लगने लगता है कि मार्केट अभी पता नहीं कैसे जा रहा है और ऊपर तो चला गया तो फिर हमारा और डबल लॉस हो जाएगा। तो इस टाइप से मतलब लॉस होने लगता है। तो फ्रेंड्स ये लॉस क्यों होता है, क्योंकि हम एक तो कॉन्फिडेंस नहीं होता है, और दूसरा हमारा जो लॉजिक रहता है वो लॉजिक पे भी हमारा कॉन्फिडेंस नहीं रहता है कि ये लॉजिक सही भी है कि नहीं। तो इस टाइप से फ्रेंड्स हमारा लॉस है जो लॉस होता ही जाता है। और फिर सबसे मेन बात आ जाता है फ्रेंड्स अपना रिस्क मैनेजमेंट का, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है फ्रेंड्स। रिस्क मैनेजमेंट एक बहुत ही ज़्यादा रहती है, क्योंकि अगर आपका रिस्क मैनेजमेंट सही नहीं रहेगा तो आपको कितना भी लॉस हो जाए या फिर कितना भी प्रॉफिट हो जाए मतलब आपका कंट्रोल नहीं रहेगा। जैसे मेरा हुआ, यहाँ पे मेरा रिस्क मैनेजमेंट सही नहीं था, क्योंकि फ्रेंड्स अगर मान लीजिए मेरा यहाँ पे मान मैंने यहाँ पे ट्रेड लिया था, और मैं सोच लेता कि यहाँ पे देख सकते हो अभी कि यहाँ पे गया तो मार्केट मेरा टारगेट है यहाँ पे, और यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस है। बट मैंने यहाँ पे ना तो मतलब टारगेट रखा ना स्टॉप लॉस रखा, ऐसे देखता गया और उतने मेरा देख सकते हो आप 900 रुपये तक का लॉस गया। अगर वहाँ पे मेरा मतलब रिस्क मैनेजमेंट कैपेसिटी अच्छी होती कि अगर मुझे 500 रुपये तक का लॉस होता है तो मैं वहीं पे निकल जाऊंगा, मतलब अगर मार्केट ऊपर गया तो भी मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा नीचे, और अगर मतलब और नीचे आए तो भी मुझे फर्क नहीं पड़ेगा। बट प्रॉब्लम क्या हुआ, मेरा मतलब ना तो रिस्क मैनेजमेंट अच्छा था ना कुछ, तो इससे अच्छा मतलब इसकी वजह से मुझे 1,000 रुपये तक का लॉस हो गया। तो जो कि मतलब सबसे मेन इम्पोर्टेंट आ जाता है मतलब रिस्क मैनेजमेंट का, अपना जो इंटेक्ट होना चाहिए, या तो हमें मतलब टारगेट हिट हो या फिर लॉस हो, कुछ भी हो फ्रेंड्स, एक स्टॉप लॉस बहुत बड़ा रोल प्ले करता है शेयर मार्केट में। अगर आपको भी फ्रेंड्स शेयर मार्केट से पैसा कमाना है तो सबसे पहले आपको तो जो लॉजिक है वो क्लियर करना पड़ेगा, उसके बाद मतलब कंफर्म ट्रेड लेना पड़ेगा। दूसरी बात, रिस्क मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो आपको एक रिस्क मैनेजमेंट भी आपके हिसाब से रखना पड़ेगा कि मुझे अगर 500 रुपये का प्रॉफिट होता है तो मैं निकल जाऊंगा, अगर 500 रुपये तक का लॉस होता है तो मैं निकल जाऊंगा, तो इस टाइप से फ्रेंड्स। और मतलब आपको ऐसा नहीं होना है, लालच नहीं करना है, अगर प्रॉफिट 500 से ऊपर जा रहा है तो नहीं नहीं रहने देता हूँ और बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो जाएगा, तो इस टाइप से रिएक्ट नहीं करना है। जैसे कि लॉस, तो लॉस में आपको क्या लगता है कि नहीं अभी मार्केट ऊपर जाएगा तो मेरा प्रॉफिट हो जाएगा, बट ऐसा नहीं होता है। एक बार मार्केट यहाँ से देख सकते हो जो उसने ट्रेंड लाइन फॉलो किया है नीचे का, तो इसी टाइप से फिर मार्केट फॉलो करता गया, तो इस टाइप से फ्रेंड्स मार्केट रिएक्ट करता है। तो इस लॉस से हम इसी टाइप से बच सकते हैं कि हमारा जो रिस्क मैनेजमेंट का है वो अच्छे से हो, और दूसरा हमारा टारगेट स्टॉप लॉस वगैरह इंटेक्ट होना ही चाहिए, और सबसे वही मेन आ जाता है फ्रेंड्स स्टॉप लॉस का। तो स्टॉप लॉस हमारा जरूर रखने का, क्योंकि अगर स्टॉप लॉस नहीं रखेंगे हम, और दूसरी बात स्टॉप लॉस रखा और हमने अगर उसको एग्जिट नहीं किया उसी टाइम पे, तो भी दूसरा मतलब बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इससे अच्छा स्टॉप लॉस रखने का, और जहाँ पे टारगेट मतलब आपने सोच के रखा है कि 500 का अगर लॉस हुआ तो मैं निकल जाऊँगा, तो उसी टाइम पे आपको निकल जाना है। बाकी फ्रेंड्स अगर आपको यहाँ पे वर्चुअल मनी से ट्रेडिंग सीखना है तो आप न्यू स्टॉक बेस्ट ऑप्शन है, जो कि मैं भी सीखता हूँ अभी, और ट्रेडिंग के लिए बहुत ही अच्छा है। इस पर आप ट्रेडिंग कर सकते हो, और जो ट्रेडिंग व्यू है इस पर आप एनालिसिस करके इसमें आपको ट्रेड मार सकते हो। तो एक बार आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अच्छा हो जाता है, तो उसके बाद फ्रेंड्स आप अब इजीली मतलब अपने पैसे से कैपिटल से इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। बाकी फ्रेंड्स उससे पहले आपको ऐसा नहीं करना है, नहीं तो मेरे जैसा ही आपका भी लॉस होगा, तो उससे कुछ फ़ायदा तो होगा ही नहीं, आपका जो कैपिटल है वो भी चला जाएगा। तो इससे अच्छा आप तभी ट्रेडिंग करो जब आपका कॉन्फिडेंस लेवल एकदम हाई पे हो, और दूसरा आपका रिस्क मैनेजमेंट कैपेसिटी बहुत ही अच्छी हो। तो बाकी फ्रेंड्स यही था अपडेट, और आपने देखा कि मुझे किस प्रकार से लॉस हुआ, कैसी गलती की थी मैंने, तो इस गलती से आप भी बच सकते हो। तो फ्रेंड्स बस यही था वीडियो, और आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगेगी। अगर अच्छी लगी तो फ्रेंड्स प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं कि जिससे लेटेस्ट वीडियो को आपको जल्दी से जल्दी मिल जाए। तो थैंक यू फ्रेंड्स।